हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके IBPS क्लेरिकल मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जितने भी सेंटर के एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेन फोकस हमारा IBPS क्लेरिकल मेंस पे है, ठीक है। अभी SOIT का पेपर जो होने जा रहा है वो 28 और 29 को होगा, तो उसका रिव्यू आफ्टर एग्ज़ाम दूंगी मैं, ठीक है। फिर देखते हैं, उसमें बेसिकली फ्रेंड्स तीन सेक्शन आएंगे, ये तो कॉमन ही होता है प्री, है ना। तो 150 क्वेश्चन होंगे और जो इंग्लिश है उसमें जो 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 25 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से तीन सेक्शन होंगे और लास्ट ईयर जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो जनरल की गई थी 70.88 कट ऑफ गई थी, ठीक है, जनरल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो ADB की जो इंडिया ADB ने जो इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट की है फॉर द फिस्कल ईयर 2019-2020 वो 5.1% की है। कितनी की है? 5.1%। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो आपको ये मैं लिस्ट बाद में प्रोवाइड करा दूंगी GDP की, ठीक है। तो ADB के अकॉर्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी? 5.1%, ठीक है। प्यूमा ने अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो सुनील छेत्री, जो कि इंडियन मैंस फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, उन्हें अपॉइंट किया गया है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर, किसे? सुनील छेत्री जी को, ठीक है। और जो 13th साउथ एशियन गेम्स हुई ना फ्रेंड्स, उसका वेन्यू आ सकता है कहाँ पे हुई और एडिशन भी आ सकता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में जो साउथ एशियन गेम्स हुई वो कहाँ पे हुई? काठमांडू एंड पोखरा इन नेपाल में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, वहाँ पे हुई, ठीक है। तो इसका ये भी आ सकता है कि विच एडिशन वॉज दिस, तो आपको ऑप्शन में 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह के बहुत ही नज़दीक नज़दीक दिए होंगे ऑप्शन, ठीक है। तो 13th एडिशन रहा साउथ एशियन गेम्स का। और फ्रेंड्स, इस बार इंडिया ने टॉप रहा है मेडल टैली में, सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते? इंडिया ने जीते, ठीक है। तो 311 मेडल जीते हमारे देश ने, ठीक है, जिसमें कि 173 गोल्ड थे, 93 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉन इन द रिसेंटली हेल्ड साउथ एशियन गेम्स में। तो 173 गोल्ड मेडल हैं, 93 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 45 ब्रॉन्ज, तो टोटल 311 मेडल जीते। सेकंड पे रहा होस्ट कंट्री नेपाल, थर्ड पे श्रीलंका। और ऑफिशियल जो मैस्कट था ना फ्रेंड इसका, वो क्या था? ब्लैक बक कृष्णा सहर, कृष्णा शार, ठीक है। तो ब्लैक बक इसका ऑफिशियल मास्कट था 13th साउथ एशियन गेम्स, जो को जिसका वेन्यू कहाँ पे था? काठमांडू एंड पोखरा इन नेपाल में। और फ्रेंड, जो अभी ओशन डांस फेस्टिवल हुआ वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हुआ। तो आ सकते हैं कि इन विच कंट्री ओशन डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो जो कॉक्स बाजार है बांग्लादेश का, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। और इसकी थीम आ सकती है फ्रेंड्स, तो थीम क्या है? ब्रिजिंग द डिस्टेंस। ब्रिजिंग द डिस्टेंस इज द थीम ऑफ ओशन डांस फेस्टिवल और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, जो GMFF है द ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स? ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। तो थीम क्या था इसका? माइग्रेशन एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, माइग्रेशन एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। तो ऐसे आ सकते हैं कि द ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका है, ठीक है। और 15 फिल्म स्क्रीन की जाएगी फ्रेंड्स इसमें, जिसमें और इसकी थीम क्या है? माइग्रेशन एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, मॉरिशियस प्रेसिडेंट, जो अभी मॉरिशियस के प्रेसिडेंट कौन बने फ्रेंड्स? पृथ्वीराज सिंह रूपन, ठीक है, पृथ्वीराज सिंह रूपन बने प्रेसिडेंट। और प्रविंद जगन्नाथ बने हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर, अभी हाल ही में ही अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन बने मॉरिशियस के? प्रविंद जगन्नाथ। और प्रेसिडेंट बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। फ्रेंड, जो विजय हरारी ट्रॉफी है
विजय हरारे ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसा भी आ सकता है क्रिकेट से रिलेटेड है, जो 2019-20 की हुई, ठीक है। इसमें जो फ्रेंड्स जीती किसने, ये कर्नाटका ने जीती बाय डिफीटिंग तमिलनाडु को हरा के, 9 विकेट से हराया। तो विजय हरारे ट्रॉफी का विनर कौन रहा, कर्नाटका, और डिफीट किसको किया इन्होंने, तमिलनाडु को बाय 9 विकेट से, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इंडियन बनी जिसने प्ले किया 100 T20 इंटरनेशनल। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट इंडियन बनी जिसने प्ले किया 100 T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। अबे स्कूल जो फगदाबा स्कीम, ये कहाँ की है, कौन से स्टेट की है, तो फगदाबा स्कीम मणिपुर की है। यह रहना फगदाबा FM से, यह रहना FM तो सब सुनते होंगे ना, तो FM फगदाबा स्कीम मणिपुर की है, ठीक है। मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह, उन्होंने फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एजुकेशन एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया, फगदाबा स्कीम। और ये कहाँ की है, मणिपुर स्टेट की है, ठीक है फ्रेंड्स। जो IAAF है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन हैज़ ऑफिशियली चेंज्ड किया इट्स नेम एंड विल नाउ बी नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक बोला जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ चेंज्ड इट्स नेम्स टू एज वर्ल्ड एथलेटिक, ऐसे भी आ सकता है। तो IAAF ने, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन हैज़ ऑफिशियली चेंज इट्स नेम एंड विल बी नाउ नोन एज वर्ल्ड एथलेटिक्स बोला जाएगा, ठीक है। और IIT मद्रास इन कलेबोरेशन विद फोनिक्स मेडिकल सिस्टम ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड स्टैंडिंग व्हील चेयर। ये भी फ्रेंड्स अभी IBPS PO मेंस या किसी एग्जाम्स में ये ज़रूर अभी पूछा हुआ है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया स्टैंडिंग व्हील चेयर फैसिलिटी। तो IIT मद्रास ने किसके साथ कोलैबोरेट किया, फोनिक्स मेडिकल सिस्टम के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड स्टैंडिंग व्हील चेयर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जो शिशु सुरक्षा ऐप है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की, शिशु सुरक्षा ऐप असम गवर्नमेंट ने। तो असम गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स अभी एक तो दो चिल्ड्रन से ज़्यादा उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और एक अरुंधति स्कीम भी, ये भी आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिसमें कि जो मैरिड जितने भी जो गर्ल्स हैं उनको 1 तोला गोल्ड देगी आसाम गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीनों ऐप किसकी है, आसाम गवर्नमेंट के। शिशु सुरक्षा ऐप टू लॉन्च एन इंस्टेंट कंप्लेंट अबाउट चाइल्ड राइट्स वायलेशंस, अगर होता है तो उसके लिए हम कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके लिए शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया आसाम गवर्नमेंट ने। जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है GHS की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 57 है। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 47 है। और बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है, एशिया की, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया। तो सिंपल से याद रखना, ग्लोबल हेल्थ सर्वे सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 57 है, ठीक है। और MMID क्या है फ्रेंड्स, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये एक 7 डिजिट का कोड आता है, ठीक है। और इश्यूड किसने किया, ये इश्यूड किया जाता है बैंक के द्वारा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये MMID नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 7 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। और नाच की फुल फॉर्म आ सकती है फ्रेंड्स, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और APB आधार पेमेंट ब्रिज। अभी देखो मैंने रिसेंटली आपको एब्रीवेशंस कराई थी, ठीक है, LIC एग्जाम्स के बिफोर, तो फिर जो उसमें जो फर्स्ट फुल फॉर्म है फ्रेंड्स AEPS में ई क्या है, ये आया हुआ था एग्जाम्स में सेकंड शिफ्ट में, तो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो मैं कहती हूँ मतलब फुल फॉर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो इन्हें स्किप मत कीजिए ध्यान से। जितनी भी गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ढंग से पढ़िए, हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे LIC में। तो APB की फुल फॉर्म क्या है, आधार पेमेंट ब्रिज। और फाग डांस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड्स, ये एक फोक डांस है हरियाणा का, और ये परफॉर्म किया जाता है फार्मर्स ऑफ हरियाणा के, जितने भी जो फार्मर्स हैं वो फाग डांस सेलिब्रेट करते हैं, और ये ओकेजनली होली पे सेलिब्रेट करते हैं ये फोक डांस, ठीक है। तो सिंपल रखना, फाग डांस कहाँ का, ये हरियाणा का है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए गए अभी इंडिया के 2019 में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एक नरोपा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख में। तो नरोपा फेस्टिवल लद्दाख,
और आदि महोत्सव भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, दिल्ली सॉरी लद्दाख। और आदि महोत्सव फ्रेंड्स एक दिल्ली में भी इनॉग्रेट किया गया है, लेकिन सिंपल याद रखना कि नरोपा फेस्टिवल और आदि महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, ठीक है। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल, इंटरनेशनल फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, आंध्र प्रदेश में। तो फ्लेमिंगो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। काइट फेस्टिवल अहमदाबाद गुजरात, तो काइट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में। और इंटरनेशनल आउल फेस्टिवल सबको पता होगा, पुणे महाराष्ट्र में। और कैमल फेस्टिवल, सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे होते हैं, तो कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान के बीकानेर में सेलिब्रेट किया गया। वेयर इज़ द वेन्यू ऑफ कैमल फेस्टिवल 2019, तो बीकानेर राजस्थान। और पूरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, पी के से याद रखना, पूरम केरला में, ठीक है। पूरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, केरला में। और ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर महाराष्ट्र में। खर्ची पूजा कहाँ पे सेलिब्रेट की गई फ्रेंड्स, त्रिपुरा में। तो खर्ची पूजा पूजा कहाँ पे मनाई गई, त्रिपुरा में, ठीक है। अबे झीरी झीरी मेला एंड मेला खीर भवानी, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, ठीक है। और जो लद्दाख है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, राधा कृष्णन माथुर, ठीक है। तो फ्रेंड्स झीरी मेला एंड मेला खीर भवानी, ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किए गए। संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, मणिपुर में। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, मणिपुर में। और नेक्स्ट चलते हैं, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, नागालैंड में। रंगोली और भोग बोहाग बिहू ये आसाम में सेलिब्रेट किया गया। अबे पराग पराग महोत्सव कहाँ मनाया गया, असम में। ड्विजलिंग फेस्टिवल ये भी असम में। और अम्बू बच्ची मेला ये भी असम में। तो असम में चार फेस्टिवल मनाए गए, एक तो रंगोली और बोहाग बिहू फेस्टिवल, पराग फेस्टिवल, ड्विजलिंग फेस्टिवल एंड अम्बू बच्ची मेला असम गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल बियर जो भालू दिवस है वो कहाँ पे मनाया गया, आगरा उत्तर प्रदेश में। और खासदर महोत्सव कहाँ मनाया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। खासदर महोत्सव कहाँ मनाया गया, नागपुर महाराष्ट्र में। और हरेला हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में सीधे याद रखना कि हरियाली होती है ना, ठीक है। तो पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं तो हरियाली, तो हरेला फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, उत्तराखंड में। और लोकरंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। लोकरंग मध्य प्रदेश, लोकरंग मध्य प्रदेश। और इंदिरा जात्रा फेस्टिवल एंड फूलपति फेस्टिवल ये नेपाल में मनाए गए, दो फेस्टिवल। इंदिरा जात्रा फेस्टिवल एंड फूलपति फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किए गए, नेपाल में। नुआखारी फेस्टिवल ओडिशा, नुआखारी फेस्टिवल ओडिशा में। और ओशन डांस फेस्टिवल फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया, कॉक्स बाजार बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। सॉरी इसे मैंने पीछे इंक्लूड कर दिया था, यहाँ पे तो इंडिया के बता रहे हम, लेकिन याद रखना ओशन डांस फेस्टिवल कॉक्स बाजार बांग्लादेश। और इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया गया अभी। और बेहदीन खेलम फेस्टिवल, बेहदीन खेलम फेस्टिवल ये भी मेघालय में मनाया गया। तो मेघालय में दो फेस्टिवल मनाए गए, एक तो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एंड बेहदीन खेलम फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया गया, मेघालय में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके IBPS क्लरिकल मेंस के लिए, और जो इंटरनेशनल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए गए हमारे इंडिया में, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मैं इसको आपको PDF लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।